नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारे पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर के सब्जेक्ट एडवांस वर्कशॉप टेक्निक के बारे में, दोस्तों जिसका सब्जेक्ट कोड है ME306। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम 2016 में जो इस सब्जेक्ट का जो पेपर आया था, उस पेपर में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, उनके सॉल्यूशन के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे, ताकि कल जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है वापस ME306 का, उसमें भी वापस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो इस पेपर के कुछ क्वेश्चन उसमें रिपीट हो सकते हैं, तो उन वह क्वेश्चन हमारे गलत ना हो, उनके आंसर हमारे बिल्कुल एक्यूरेट सही हो, उसी के लिए हमने आज ये सेशन रखा है दोस्तों। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन क्वेश्चन का आंसर अच्छे से रीड करिए, 2-3 बार रिविजन कर लिए, ताकि इस पेपर से कुछ क्वेश्चन अगर कल के पेपर में मिलते हैं तो हम डायरेक्ट उन्हें टिक कर सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, द विड्थ ऑफ स्लॉट बाय अ हेक्सो ब्लेड इज। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, स्लाइटली मोर देन द विड्थ ऑफ ब्लेड, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अ हेक्सो ब्लेड कट ऑन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉरवर्ड स्ट्रोक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ नी इज अ पार्ट ऑफ। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मिलिंग मशीन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन क्लाइम मिलिंग, क्लाइम मिलिंग के अंदर क्या होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वर्क मूव्स इन सेम डायरेक्शन एज रोटेशन ऑफ कटर। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, द हार्डनेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड बाई। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेटर ऑफ अल्फाबेट, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ C4 T6 T5 V17 ग्राइंडिंग व्हील द ग्रेन साइज इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 46, यानी दोस्तों जो फर्स्ट अल्फाबेट लेटर है सी, इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वह ग्रेन साइज को रिप्रेजेंट करेगी, इसलिए यहाँ पे सी के बाद आ रहा है 46, जिसकी ग्रेन साइज हो जाएगी 46। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ कैप्टन लेड द ट्रुथ इज माउंटेड ऑन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अ शॉर्ट स्लाइड ऑफ रैम स्लाइडिंग ऑन द सैडल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रथ लेथ इन विच लॉन्ग टर्निंग कट्स आर मेड बाय मूविंग द सेडल अलोंग द बेड वेस ऑफ द मशीन आर कॉल्ड। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेडल टाइप ट्रथ लेथ्स। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हमारा, द कटिंग टूल इन अ मिलिंग मशीन इज माउंटेड ऑन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्बर। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन एज। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्बर साइज। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ मिलिंग मशीन इन विच द टेबल कैन बी स्विल्ड एंड सेट एन एंगल टू द कॉलम फेस इज कॉल्ड। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेन नी एंड कॉलम टाइम मिलिंग मशीन। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिलिंग मशीन इज क्लासिफाइड एज हॉरिजेंटल और वर्टिकल टाइप डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ। तो दोस्तों, ये स्पिंडल की पोजिशन पर डिपेंड करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इंडेक्सिंग मेथड विल बी यूज्ड टू इंडेक्स 119 डिविजन्स। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कंपाउंड इंडेक्सिंग, कंपाउंड इंडेक्स के द्वारा ही हम 119 यानी 119 डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको मेथड को। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिवाइस स्ट्रक्चर इन ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड फॉर। तो डिवाइस की जगह डेंस आएगा, पहले तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, डेंस स्ट्रक्चर आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हैवी कट्स, डक्टाइल मटेरियल, फिनिशिंग कट, हार्ड मटेरियल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिनिशिंग कट। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है,
द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है कार्बाइड टूल बिट्स आर ग्राउंड बाय फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन कार्बाइड। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हेन ग्राइंडिंग व्हील बिकम लोडेड या ग्लेज्ड दे मस्ट बी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ड्रेस्ड। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है विच इज़ नॉट अ सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। कौन सा सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होबिंग। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है रेगुलेटिंग व्हील इन सेंट्रलेस ग्राइंडिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा स्मॉल कंपेयर टू ग्राइंडिंग व्हील, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। प्रोसेस टू इनलार्ज द प्रीवियसली मैन्युफैक्चर्ड होल इज कॉल्ड। तो इसे बोला जाता है दोस्तों बोरिंग, यानी पहले से जो होल है उसको किसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बोरिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है टेस्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ मशीन टूल इज डन बाय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी ज्योमेट्रिकल टेस्ट प्लस प्रैक्टिकल टेस्ट। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है ट्रांसफर मशीन यूज्ड टू। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडेक्स द वर्क पीस। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है शेड्यूल्ड मेंटेनेंस इज ऑल्सो कॉल्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हेन इक्विपमेंट बिकम फेल इट इज ब्रॉट टू ऑपरेटिंग कंडीशन आफ्टर मेंटेनेंस इज कॉल्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है एन ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन इज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वह कौन सा होगा। ऑप्शन ए फुली ऑटोमेटिक बार टाइप टूरेट लेथ, फुली ऑटोमेटिक बार टाइप कैप्स्टन लेथ, सेमी ऑटोमेटिक बार टाइप टूरेट लेथ, सेमी ऑटोमेटिक बार टाइप कैप्स्टन लेथ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फुली ऑटोमेटिक बार टाइप कैप्स्टन लेंथ। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 है इन कंटिन्यूस ट्रांसफर मशीन। तो कंटिन्यूस ट्रांसफर मशीन में क्या होता है फिक्स्ड वर्क हेड एंड पार्ट मूव। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन द डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन। तो दोस्तों कंसिडरेशन क्या किया जाएगा डिजाइन फाउंडेशन में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी यूज किए जाएंगे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन वेट ऑफ फाउंडेशन बेस एरिया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है वॉल्यूम ऑफ फाउंडेशन इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इंजन इज केप्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.3 मीटर क्यूब पर हॉर्स पावर। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है टू शार्प द कटिंग एज ऑफ मिलिंग कटर वी यूज। कौन सा कटर यूज किया जाता है टूल एंड कटर ग्राइंडर, सेंट्रलेस ग्राइंडर, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर, सरफेस ग्राइंडर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टूल एंड कटर ग्राइंडर। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल एब्रेसिव। कौन सा नेचुरल एब्रेसिव है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोरंडम इज द राइट आंसर। तो ठीक है दोस्तों इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इस सेशन के इन क्वेश्चन में जो भी हमने डिस्कस किया इनका अच्छे से रिविजन करिए, अच्छे से पढ़िए और कल जो आने वाला एग्जाम है आप उसमें अगर इस पेपर से कुछ क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट उसके आंसर टिक करिए। तो ठीक है दोस्तों कल के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक और आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक और नए सेशन में इस एग्जाम की आंसर की के साथ। तो वहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद जय भारत।